अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। ठीक है, ये हमने थोड़ा ऑयल दिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अनियन। ओके, इट शुड बी वन स्मॉल अनियन, दैट्स इट। क्योंकि आपने ज़्यादा अनियन नहीं डालना, इसलिए तो ये भी हो सकता है कि खाना थोड़ा मीठा हो जाए। ठीक है, तो आपने जो वन नॉर्मल साइज ऑफ अनियन लेना, तो अब हम ग्राउंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट कर रहे हैं, अब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। टमाटो लिए 45 ग्रीन चिली और 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक। अच्छा, कुछ लोग पालक के टमाटो नहीं ऐड करते, पर मैं एक छोटा टमाटो जरूर ऐड कर देती हूँ। तो सब चीज़ें अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप टमाटो ना ऐड करें, आप सिर्फ अनियन ग्रीन चिली और जो है जिंजर ऐड कर। अच्छा, आप ये देख सकते हैं हमने इसमें पालक ऐड की। ठीक है, अब आपने इसे अच्छी तरह जो है पकाना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसे ब्लेंड भी कर देते हैं, लेकिन मैं ब्लेंड नहीं करती, वो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है जब वन यू आर कुकिंग पालक पनीर। ठीक है, तो जो हमारे टिपिकल खाने होते हैं उसमें तो हम इसी तरह ही इसको पकाते हैं। मेक श्योर कि आपके जो सारे मसाले हैं ना वो इसमें मिक्स हो गए, इतना कुक हो गया। दिस इज़ द की ऑफ दिस रेसिपी। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑफ मिल्क टू मेक इट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। ओके, एंड वी विल ऐड क्रीम। क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, घर में मिलाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट सॉफ्ट। ओके, ये जो आपको बहुत क्रीमी सी जूसी सी लगती है पालक, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंग्रीडियंट्स। अब आपने इसे अच्छी तरह कुक कर लिया। ठीक है, मैंने आपको बता दी है, तब तक आप कुक करेंगे जब तक आपके मसाले बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, मीन्स फुली कुक्ड हो जाएगा। फिर हम इसमें जो अपने पोटैटोज हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, और पोटैटो का भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप ज़्यादा बिग साइज़ में पोटैटोज रखेंगे तो वो टाइम लेगा कुक होने में, अगर आप नॉर्मली साइज़ में रखेंगे तो वो ईजीली आपका जल्दी कुक हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ टिप। ठीक है, अब आप इसको फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स अच्छी तरह आप इसे कुक करना है। ठीक है, अगर कुछ गर्ल्स अगर चाहती हैं कि दे वांट टू कुक मोर फास्ट, तो फिर आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह कुक हो गई। ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग मैश्ड। इसमें मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करूँगी, ग्रीन ग्रीन इसके टेक्सचर के लिए। ओके, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में कर सकते हैं इसमें ऐड, बिकॉज ये ग्रीन है। और हम ऐड करेंगे अपना देसी घी ऑल्सो टू मेक इट मोर यमी। अभी आपने इसमें थाली भी ऐड कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पकने दें, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। अब हमने इसमें आलू ऐड कर लिए 3 बिग साइज। ओके, आप उसे ऐड कर लें और इसको भी अच्छी तरह भून लें। ये मैंने अपनी आलू पालक डिश आउट कर ली है, आप इसको देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। इसको ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।